गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार कई दिन हो गए, मतलब व्लॉगिंग नहीं की कई दिनों से, कई सारे रीज़न थे, पर अब सारे रीज़न ख़त्म हो चुके हैं अपने। एग्ज़ाम सब ख़त्म। और भाई जैसे इतने दिनों से प्लानिंग बना रहे थे घूमने जाने की, आज 2 तारीख और आज रात की ट्रेन है हमारी और हम निकल रहे हैं गोवा। अब भाई ये बोलते हैं ना कि दोस्तों के साथ कभी गोवा का प्लान सक्सेस नहीं होता, पूरा नहीं होता, वो हम करके दिखाएंगे। और ऐसे कोई इशू आ गए कोई बात अलग है, लेकिन सामान वामान सब पैक, रात को निकलना है बस, अब तो यही है। और उसके लिए थोड़ा सा इंसान बन के आते हैं। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि यार रूम के लोग क्या दिखा रहा है। हाँ सही था यार, सबको कुछ अलग देखना पसंद होता है, अलग अलग चीज़ें। तो यार 4-5 दिन की ट्रिप गोवा की काफ़ी सही रहने वाली है। प्लान व्लान बना चुके हैं, सारा लिस्ट विस्ट बना ली कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना। अब वही अपनी तो ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे जल्दी से हर कोई पहुँच नहीं पाता। हिडन पैलेसेज, सेक्सी समोसा वगैरह भाई। तो मेरी पैकिंग रह रही है और लगभग फुल कित की हो गई, लड्डा की भी रह रही है और सब की हो गई। मैं उल घर गया हुआ है, मनी प्रॉब्लम। बंदा का सही है भाई, एक दिन घर जाता है, उसके ऊपर जितने पैसे होते हैं ना सारे चुका देता, पैसे कहाँ से लाता है, वही ये समझ नहीं आया मेरे को तो आज तक। और कोई नहीं भाई, तो अब कंटिन्यू व्लॉगिंग होगी, वापस कंटिन्यू करेंगे वापस। और अभी करते हैं अपना, पहले इंसान बन के आते हैं थोड़ा सा, पता क्या कौन मिल जाए भाई, कुछ कह नहीं सकते ना। तो भाई सैलून पे जाके आ चुके हैं अपन, कटिंग शेविंग डन, लुक लाइक इंसान। और अब करते हैं अपनी पैकिंग स्टार्ट। 12 बज गए, 3-4 घंटे ही हैं, 3-4 घंटे हम पैकिंग कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। पहले कुछ खा ले थोड़ा बहुत, अमन भी आ गया, पता नहीं रात भर से कहाँ था अमन, पता है मैं चश्मा लेके आया, लेंस कार्ड से चश्मा। भाई सामान वामान अपना सारा रेडी हो गया, निकलने के लिए तैयार। अमन इसका अभी तक बैग जमा ही नहीं। लड्डा कहाँ गया? लड्डा हाउ इज द जोश? क्यों क्या घूम गया? नहीं मिला अभी तक। Bro, I can't find my glasses. Yes, खाएं, नहीं मिला। चल कोई नहीं, क्या कोई नहीं मिल जाए। अरे यहाँ रखा था कल, मैंने देखा था। अरे कल आज था क्या? अपन तो निकल रहे हैं। और भाई हेलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कौन शर्ट वो उसमें रखी है ना अलमारी में, निकाल ले रख ले। तो चलते हैं भाई, अपनी भी गाड़ी आ गई। हाउ द जोश? वेरी हाई आवाज से पता लग गया। तो अब आने वाले भाई मजे, अब फाड़ देना है, इतने मजे करने हैं भाई। तो भाई लोग हो चुके तैयार। कैसा? अरे बोलो कैसा? बस। तो गाड़ी में सामान वामान लगभग पैक हो गया और चलते हैं, अभी बैठते हैं। तो लोग आ ही रहे हैं अभी नीचे। भाई सामान हो रहा है अपन ऊपर लोड, कौन करे तो ऑन ड्यूटी में जा रहे हैं। जरूरत नहीं, आशीर्वाद आएगा, एक कड़ी भेजनी पड़ेगी तुझे। भाई उदयपुर से निकल चुके हैं और अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं। पहले सबके घर वालों ने सब, अरे क्या बोला तेरे घर वालों ने? बोला नहीं, मेरे घर वालों ने बोला अहमदाबाद में पता नहीं कौन सी जगह पहुंच गए, अहमदाबाद में गुजरात में कौन सी जगह पहुंच गए। कोई एक होटल यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए। और यहाँ पे एक अपने दोस्त मिल गया अपना, शकल मिलती है इस मंदिर थोड़ी थोड़ी, इससे मिलती है थोड़ी बहुत। मैच कर रहा है यार, जय अंत। ये तो मेरे पीछे आ रहा है, अरे जयंत कैसे करे मेरे पीछे आ रहा है भाई। तो ओए ओए मेरे पीछे आ रहे हो तो? ये तेरे को बोल रहा है, भाषा समझ रहा है? नहीं मेरी भाषा नहीं समझ रहा, कुछ पूछना। क्या नाम है? काड़ू बोला है ना? नहीं तेरा, तेरी भाषा मेरे। इसको भर के ले जाएगा गाड़ी में गोवा, एक को पीछे डाल देते। अरे नहीं यार,
गलत काम हो जाएगा बेचारा। अच्छा है यहाँ सेट है, क्या है भाई वहाँ पे तो कुत्ते चिपक जाएंगे। ये जयंत का गुजराती भाई है, गुजराती भाई है ना, बहन है, मिल रही है ना शकल। इसके पैर तो कुलदीप जैसे छोटे छोटे, पैर तो इसके कुलदीप जैसे। कट कर दिया जाएगा ब्लॉग यहाँ से। बहुत सारे चलने के बाद में अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और टाइम लगा 12:30 बजे एक ट्रेन है। 3 घंटे का टाइम पास करना है यार, जाने के लिए पहले खाना वाना खाने के लिए आए रेस्टोरेंट में, फिर निकलते हैं स्टेशन के लिए। इतने सारे प्याज भर के दे दिए, पता नहीं क्या करेंगे इनके, इसके तो प्याज भी लार पड़ी भाई। अहमदाबाद स्टेशन पहुँच चुके यार भाई, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। काफ़ी बड़ा स्टेशन है यार, हमने तो जयपुर का ही देखा भाई, ये तो जयपुर से बड़ा है, 12 प्लेटफॉर्म है टोटल। पूरी गैंग जा रही है भाई अपने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अभी तो 1.5 घंटा है लगभग ट्रेन आने में, इतना करते हैं टाइम पास का कुछ जुगाड़। तो भाई रात के 3 बजे की ट्रेन थी हमारी, मतलब ट्रेन पकड़ ली और अभी इनके सट्टेबाजी स्टार्ट हो गई। इस बंदे ने 10 रुपये लगाए हैं, उसने 20, बल्लाओ भैया ने भाई 30, मेहुल की तो पूरी जायदाद आई। जयंत ने अपने दुकान डाल दी इस बार, और फुल कितने पता नहीं क्या डाला है। एक्सपोज हो चुके हो तुम। हमारी ट्रेन का सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भाई इस बंदे को चाहिए ये गोलियां। मतलब कितने घंटे हो गए वो चलते हुए? हो गए 10 घंटे हो गए। तीन बजे हाँ, तो 12 घंटे होने वाले लगभग, अब 3 बजने होने वाले। लेकिन भाई यहाँ का जो मौसम है बहुत प्यारा मौसम है, व्यू है कितना प्यारा व्यू है देख सकते हो आप, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। बहुत गंदा है यार ये तो, ये देखो ग्रीनरी अभी तो। और ये भाई सीन है आगा, और वो सामने से आ रही है मेरे। फाइनली यार गोवा पहुंच चुके हैं, मतलब बड़गांव स्टेशन पे। तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई मेरी, तो पता नहीं क्या हुआ, मतलब 24 घंटे से ऊपर हो गए भाई चलते हुए, चले जा रहे हैं, फोटो वोटो खींचने जा रहे हैं कुछ, आई लव गोवा के सामने। अभी जाते हैं होटल लेते, पहले तो ताकि सोते हैं, मैं लेता हूँ टैबलेट वगैरह, गले में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, कुछ भी नहीं किया अभी तक तो यार। और ये मिल गया भाई, अमन आ गया सबसे पहले स्नैप लेने के लिए। हाउस द जोश भाई, मजे आ गए, गोवा की धरती पर पैर रख दिए ये भाई। ये लोग तो स्टेशन पर चल हो गए, अरे ये खरीद लेते तो आई लव गोवा वाले। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिक्स रेट है भाई, कोई नेगोशिएबल नहीं है। ये टी-शर्ट अच्छा ना, ये है गोवा का असली मजा, माय फेवरेट। हाँ मजे ला रहे हैं भाई साहब, जैक डेनियल खुलवा दे क्या? अपन तो मदिरा सेवन करते ही नहीं है, इंजूरियस फॉर हेल्थ। चलो कुछ खाते पीते। तो रात को लगभग 12:30 बजे के क्या लेट हो गए थे, 1:30 बज गए थे होटल में चेक इन किया, मतलब 1-2 दिन के लिए इस होटल में, 1 दिन के लिए आज के लिए यहाँ से निकलेंगे और कलेक्ट करेंगे। वैगन टूर में हमारा वो विला किया हुआ है बुक, तो अभी जैसा होटल एक बार दिखाता हूँ। ऐसा है कुछ अंदर से, मतलब 5-7 जनों के लिए एक साथ लिया था तो रात में ऐसा ही मिला। एक अंदर रूम ये है, और भाई मेन सीन तो बाहर से है, 5वें-6वें फ्लोर पे दे रखा भाई। अब भूल भुला ऐसा बना रखा है, बिल्कुल ऊपर नीचे अलग अलग तरीके के रूम दे रखे हैं यार, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी यार। तो अभी नहाते धोते हैं और यहाँ से निकलते हैं दूसरे, मतलब जो हमारा मेन होटल है वहाँ पे जाके, और पूरे दिन घूमने में बिजी रहेंगे आज तो। नए भी 2 दिन हो गए लगभग, तब नहाने वाने जाते हैं। ये व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, 5-7 दिन से व्लॉग कर रहे थे, इसी चक्कर में आ रहे थे गोवा जाऊंगा तब बनाऊंगा भाई, तो आप पहुँच गए फाइनल गोवा, और अब कंटिन्यू रहेगा वापस से। तो मिलते हैं कल फिर से एक और नए व्लॉग के साथ।
काफ़ी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट वहाँ से ही बोल रहा हूँ मैं यार। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, मज़े आएंगे हम तो गाइस।